हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए एक अनूठी चीज़ लेकिन बहुत ही काम में आने वाली और बहुत ही कॉमनली आपके घरों में मिलने वाली चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। हम आज बात कर रहे हैं वेस्लिम यानी कि पेट्रोलियम जेली की। हम आज आपको इसके ऐसे उपयोग बताएंगे जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। यह एक आम चीज़ है जो आपके घर में ज़रूर होगी। सर्दियों के मौसम में सभी लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल हम आपको बताएंगे उनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी आपके घर में पड़ी एक छोटी सी डिब्बी का उपयोग अच्छे से पता चल सके। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए दर्शक हैं तो पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे इस चैनल की अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें, और ये बिल्कुल फ्री है। वेस्लिन एक पेट्रोलियम बेस्ड जेल है और हम इसका उपयोग आमतौर पर घरेलू उपचार, सौंदर्य और घरेलू कामों में हम अपने घर में करते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ गलत अवधारणाएं भी हैं और साथ ही साथ कुछ इसके गलत उपयोग भी हैं, जिसकी जानकारी भी हम आपको देंगे कि कैसे और किन चीज़ों में आपको इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, जहाँ यह नुकसान भी आपको पहुँचा सकती है। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को देखते रहें। तो आइए पहले जानते हैं इसके उपयोगों के बारे में, आप किन किन चीज़ों के लिए किन किन जगहों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। रूखी त्वचा को कोमल बनाने के लिए आप वेस्लिन का उपयोग कर सकते हैं। वेस्लिन एक मॉइस्चराइजर तो नहीं है, लेकिन हमारे स्किन में जो मॉइस्चर होता है यह है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी नमी को मेंटेन करने के लिए और हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए वेस्लिन काम आती है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल आप स्पॉट उपचार की तरह भी कर सकते हैं, खास करके ठंड के दिनों में ड्राई स्किन से बचने के लिए आप अपने फेस पर, अपनी स्किन पर वेस्लिन का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी कोहनी पर अपने घुटनों की मॉइस्चर बनाने के लिए भी वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। और अगर आपके पैरों की त्वचा है वह ड्राई हो गई है, वह रुखी हो गई है, तो आप रात को सोने से पहले अपने पैरों पर वेस्लिन की एक परत लगा लें और उसके ऊपर सॉक्स पहन लें। आपके पैर सुबह तक सॉफ्ट हो जाएंगे, वह अपना जो नेचुरल मॉइस्चर है वह रिटेन कर पाएंगे। अब जब आप बाहर जा रहे हैं और धूप में और टैनिंग से आप अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं, तो टैनिंग लोशन लगाने से पहले आप अपनी स्किन पर वेस्लिन लगा लें। इससे आप जो अनियमित तौर पर टैनिंग हो जाती है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। शेव करने के बाद भी आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी स्किन है वह सॉफ्ट रहेगी, वह स्मूथ बनी रहेगी। इसके साथ ही आप मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ भी वेस्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेस्लिन को अपनी आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको अपनी आँख के अंदर ना जाने दें, नहीं तो ये आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाएगी। अगर आप अपनी मेकअप के आई शेडो का नया रंग लेना चाहते हैं तो भी आप उसमें वेस्लिन मिलाएंगे तो आप एक नई शेड पाएंगे। और आप इसका इस्तेमाल एक बेहद ही अच्छे आई शेडो के लिए करें, क्योंकि इससे यह आपके आई शेडो को आपके चेहरे पर फैलने से रोकेगा। और इसका कुछ लोग उपयोग आई शेडो के अंदर जो स्पार्कल होता है, जो चमक होता है, उसको लाने के लिए भी करते हैं। इसके साथ ही आप अपने नाखूनों को लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके नेल्स पर अगर बहुत दिन से पुराना नेल पेंट लगा हुआ है तो उसको अच्छी चमक देने के लिए, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए आप उस पर वेस्लिन लगाएं। साथ ही साथ जो आपके नाखूनों के आसपास जो त्वचा होती है जिसको क्यूटिकल्स कहते हैं, इस पर भी आप अगर अपने वेस्लिन को रगड़ते रहेंगे तो यह आपके नाखूनों को, उसकी त्वचा को सॉफ्ट बनाएगी और आपके हाथ पहले से ज़्यादा सुंदर होंगे। अपने होठों पर भी आप इसको लगा सकते हैं। सर्दी और जो ड्राई मौसम में अपने होठों पर वेस्लिन की एक पतली सी लेयर लगा लें और होठों का मॉइस्चर बना रहेगा, आपके होंठ सूखेंगे नहीं। कुछ लोग तो इसे टूथब्रश के माध्यम से अपने होठों को परत उतारने के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे आपके होंठों पर अगर ड्राई स्किन की एक हल्की सी परत चढ़ गई है तो आप टूथब्रश पे जरा सी वेस्लिन लगा के इसे हल्का हल्का रगड़ेंगे तो आपके होंठों पर जो परत है वह उतर जाएगी और उनकी जो नेचुरल मॉइस्चर है वह वापस आ जाएगा। आप दांतों पर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है जिसके लिए सारे जो परफॉर्मर होते हैं वह भी इसका उपयोग करते हैं। आप कि जब वह परफॉर्म करते हैं तो उनके होंठों को
और उनके होंठों और उनके दांतों से चिपकने का उनको खतरा रहता है, जिनकी उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, तो वह इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं तो भी उससे पहले आप वैसलीन की एक पतली सी लेयर अपने होंठों पर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अपने दांतों पर लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सावधानी से इसको लगाएं, बहुत ज़रा सी क्वांटिटी ही लगाएं, क्योंकि आपके मुंह में यह पेट्रोलियम जली नहीं जानी चाहिए, ताकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो भी आपको बचाने के में हेल्प करेगी। इसके लिए बालों को धोने से पहले आप वैसलीन से अपने स्कैल्प पर अपनी खोपड़ी को अच्छी तरह से कंडीशन कर लें और इसको धोने से पहले अच्छी तरह से मालिश कर लें। उसके बाद अपने सिर को धोएंगे तो डैंड्रफ में भी आपको आराम मिलेगा, उसकी जो ड्राइनेस है वह चली जाएगी। बालों को कलर करते वक्त वैसलीन का उपयोग बालों को लाइन में बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि हम कलर कर रहे हैं तो वह कलर अगर हमारी हमारी स्किन पर ना लग पाए, इसके लिए भी हम वैसलीन का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही कुछ घरेलू उपयोग भी वैसलीन के हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आपकी उंगली में अंगूठी अटक गई है तो उसके निकालने के लिए भी आप वैसलीन का उपयोग कर सकते हैं। इससे अंगूठी या अन्य कोई गहना अगर आपके हाथ में उंगलियों में अटक गया है तो उसको वैसलीन लगाकर आप अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे तो वह आसानी से खुद बहुत निकल जाएगा। आप इसको कानों के नीचे यानी जो निचला हिस्सा होता है ईयर लोब्स जिसको कहते हैं, उस पर अगर आप वैसलीन लगाएंगे तो आपको कानों में ईयरिंग डालने में आसानी। आप अपने घर में मौजूद बैटरी है यानी जो कार की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी है, इन पे जंग से बचाने के लिए भी वैसलीन का उपयोग कर सकते हैं। आप कुछ समय बाद इन पर नेचुरल तौर पर जंग लग जाता है क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है और साथ ही साथ इससे बैटरी की लाइफ भी कम होगी। इसलिए आप बैटरी को बदलते वक्त जो टर्मिनल होता है उस पर थोड़ी सी मात्रा में वैक्सीन लगा देंगे तो यह जंग लगने की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यह कुछ थोड़े से ही उपयोग हमने वैक्सीन के आपको बताए हैं जिनके लिए वैसलीन बहुत ही उपयोगी है। लेकिन कुछ हम आपको सावधानियां भी जरूर बता रहे हैं जिसके लिए आप वैसलीन का पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले है जला हुआ अगर है तो वहां पे आप पेट्रोलियम जेली को ना लें, क्योंकि जो वैसलीन है जो पेट्रोलियम जेली है यह कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, ये केवल मॉइस्चर को मेंटेन करने में या उसको रोकने का काम करता है। इसलिए अगर आपकी स्किन में कहीं जली हुई की प्रॉब्लम है तो आप वैसलीन जेली का उपयोग ना करें। साथ ही साथ अगर आपने नया टैटू बनवाया है तो आप भी इसका उपयोग ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वैसलीन का उपयोग नए टैटू पर करते हैं। लेकिन हम आपको इसकी सलाह नहीं देंगे, यह बिल्कुल ही गलत है क्योंकि टैटू के साथ जुड़कर रोम छिद्रों को यह भर देगा और इसके टूटने की संभावना को बढ़ा देगा। इसलिए आप नए टैटू पर इसका इस्तेमाल पिंपल से बचने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो वैसलीन होती है वह पानी में घुलती नहीं है और इस कारण मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपचार आप बिल्कुल भी ना करें। इसके उपयोग से आपकी त्वचा ऑयली हो जाएगी, जो धूल मिट्टी आपके आसपास है वह जमा हो जाएगी और इससे आपके चेहरे पर मुहासे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए आप अपने स्किन पर वैसलीन का इस्तेमाल पिंपल्स को रोकने के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। साथ ही वैसलीन कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, आप कभी ये मत सोचें कि आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करना चाहते हैं तो आप मॉइस्चराइजर लोशन लगाएं, वैसलीन नहीं। और आपकी त्वचा को साफ करने के बाद आप वैसलीन लगा सकते हैं तो ये आपकी जो स्किन में जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको रोक लेगी, लेकिन मॉइस्चराइजर का काम यह नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पे वैसलीन के बहुत सारे उपयोग बताए हैं, साथ ही साथ इसको लेकर जो गलत अवधारणाएं हैं वह भी हमने आपको बताई हैं, किन चीज़ों के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप कुछ और भी इस बारे में पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।